एक वैदिक समारोह में हिंदू रीति रिवाजों के साथ हुए यज्ञ कार्यक्रम में पीएम मोदी ने प्रतिमा का अनावरण किया और ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है जो बैठी हुई मुद्रा में मौजूद है। वैष्णव संप्रदाय के जिस संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया उनका जन्म सन 1017 में श्री पेरमबंदर में हुआ जो आज के तमिलनाडु में है। रामानुजाचार्य ने कांची में अलवार यमुनाचार्य से दीक्षा ली थी। श्रीरंगम के यतिराज नाम के सन्यासी से उन्होंने सन्यासी दीक्षा ली और इसके बाद संत रामानुज पूरे भारत में वेदांत और वैष्णव मान्यताओं का प्रचार प्रसार करते दिखे। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने कई संस्कृत ग्रंथों की रचना भी की। इसमें श्री भाष्म और वेदांत संग्रह उनके सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। सन 1137 में 120 साल की उम्र में संत रामानुजाचार्य ने शरीर त्याग दिया और परमात्मा में विलीन हो गए। वैष्णव संप्रदाय अपने इन महान संत को ये प्रतिमा समर्पित कर रहा है। उनका मानना है कि प्रतिमा के जरिए आज की पीढ़ी संत रामानुजाचार्य के महान कार्यों से प्रेरणा लेगी। कोई प्रतिमा भव्य हो तो वो विस्मृत कर देती है, और वो दिव्य हो तो अलौकिकता के संसार में ले जाती है। वैष्णव संत रामानुजाचार्य की इस प्रतिमा में भव्यता भी है और दिव्यता भी। संत महात्माओं ने ही भारतीयों को जीवन जीने की शैली बताई। संतों के बताए पथ पर चलकर ही देश आगे बढ़ा और दुनिया को हमने वसुधैव कुटुंबकम का ज्ञान दिया। इसी वैदिक परंपरा की झलक आज नजर आई है। वैदिक रीति रिवाज से आज पीएम मोदी ने रामानुजाचार्य के सहस्त्र शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया, पूजा अर्चना की। ग्यारहवीं शताब्दी में जन्मे संत रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती को उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। पीएम मोदी इसी में हिस्सा लेने हैदराबाद पहुंचे और संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। रामानुजाचार्य जी की यह प्रतिमा उनके ज्ञान, वैराग्य और आदर्शों की प्रतीक है। मुझे विश्वास है ये प्रतिमा न केवल आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी बल्कि भारत की प्राचीन पहचान को भी मजबूत करेगी। गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, और देश के पास हैदराबाद के शमशाबाद में संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा भी है जो दुनिया की बैठी हुई मुद्रा में सबसे ऊंची प्रतिमा है। इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहा गया है। संत रामानुजाचार्य की यह प्रतिमा पूरे विश्व को समानता का संदेश देती है। रामानुजाचार्य जी ने समाज में सुधार के लिए समाज को भारत के असली विचार से परिचित करवाया। उन्होंने दलितों, पिछड़ों को गले लगाया। उस समय जिन जातियों को लेकर कुछ और भावना थी उन जातियों को उन्होंने विशेष सम्मान दिया। यादवगिरी पर उन्होंने नारायण मंदिर बनवाया जिसमें दलितों को दर्शन पूजन का अधिकार दिया। मंदिर का पूरा परिसर करीब 200 एकड़ में फैला हुआ है जबकि प्रतिमा का परिसर करीब 40 एकड़ में है। पूरे परिसर में न सिर्फ संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है बल्कि दूसरे कई भवन भी मौजूद हैं। संत रामानुजाचार्य की विशाल प्रतिमा की कुल ऊंचाई 216 फीट है जिसमें केवल मूर्ति की ऊंचाई 108 फीट है। संत रामानुजाचार्य के हाथों में जो त्रिदंडम है उसकी लंबाई 135 फीट है
जिस पद्म पीठम पर संत रामानुजाचार्य विराजमान हैं, उसकी ऊंचाई 27 फीट है। ये पद्म पीठम जिस भद्र वेदी पर बना हुआ है, उस भद्र वेदी की ऊंचाई 54 फीट है। पद्म पीठम में कमल की 54 पंखुड़ियों के डिजाइन बने हैं। पंखुड़ियों के नीचे 36 हाथी बनाए गए हैं। साथ ही इसमें 18 शंख और 18 चक्र भी बनाए गए हैं। 2 फरवरी से ही संत रामानुजाचार्य का सहस्त्र शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। ये समारोह 14 फरवरी तक चलेगा और इस दौरान देश में कई गणमान्य लोग यहाँ आएंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी यहाँ विशालकाय प्रतिमा का अनावरण करने पहुँचे थे। इसी तरह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 13 फरवरी को यहाँ आएंगे और गर्भगृह में स्थापित रामानुजाचार्य की 120 किलो की स्वर्ण प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 6 फरवरी को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी भी आएंगे। 7 फरवरी को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आएंगे। 8 फरवरी को देश के गृह मंत्री अमित शाह भी आएंगे। 9 फरवरी को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अलावा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना भी समारोह में हिस्सा ले सकते हैं। साधु संत महात्मा हैं जो वरिष्ठ व्यक्तित्व, उन सबको भी आह्वान दिया गया है जो शैव संप्रदाय से हैं, कुछ लिंगायत संप्रदाय से हैं, कोई मंडलेश्वर बोलते हैं जो उत्तर में रहते हैं, और कोई दक्षिण में विद्यमान जो आधीनम बोलते हैं, और कई जीयर महात्मा लोग यहाँ पर पधार रहे हैं। उन सबका आशीर्वाद से ये कार्यक्रम चलने वाला है। संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा के आसपास 108 वैष्णव मंदिर भी बनाए गए हैं। दरअसल मान्यता है कि संत रामानुजाचार्य ने वैष्णव संप्रदाय के 108 दिव्य देशम यानी भगवान विष्णु के 108 मंदिर, जहां 12 तमिल संतों ने तीर्थ किया था, वहां से प्रेरणा ली थी। इन 108 में से 105 भारत में और 1 नेपाल में है, बाकी अन्य जगहों पर है। इन्हीं वैष्णव मंदिर के प्रतिरूप संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा के पास बनाए गए हैं। अंदर 108 दिव्य देश जो समता का स्फूर्ति देने वाले होते हैं, जिनसे रामानुजाचार्य स्वामी जी भी प्रेरणा पाए थे, तो वो सब यहाँ पर रामानुज स्वामी जी के चारों ओर विद्यमान हैं। यहाँ जो कुछ भी आपको दिख रहा है, इसमें किसी का योगदान नहीं, हम सारे कार्यकर्ता हैं, स्वामी जी का ही योगदान है। ये सारा प्लान, ये सारे चीज, क्योंकि स्वामी जी चाहते हैं रामानुजाचार्य जी जो इक्वालिटी के बारे में सब लोगों को एक ही नज़र से देखने के जो उनका फिलॉसफी था, वो सारी दुनिया में फैल जाए और दुनिया सुख रहे, शांत रहे, उसका प्रबोध स्वामी जी का जो रामानुजाचार्य का जो बोधन थे उसको सारा दुनिया फॉलो करे। 108 दिव्य देशम बनाने के लिए 3 राज्यों से पत्थर मंगवाए गए। राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से पिंक स्टोन, भैसलाना से ब्लैक मार्बल, आंध्र और तमिलनाडु से ब्लैक स्टोन लाया गया। एक खास तरह का ब्लैक मार्बल चीन से भी मंगाया गया। 2018 में ही मंदिर में लगने वाले पत्थरों की नक्काशी का काम शुरू हो गया था। माउंट आबू से आए कारीगरों ने पत्थरों पर नक्काशी की, जयपुर के कारीगरों ने रेलिंग और दिव्य देशम पर नक्काशी की, तमिलनाडु के कारीगरों ने दिव्य देशम की मूर्तियां बनाई, आंध्र के कारीगरों ने दिव्य देशम के पत्थरों में नक्काशी की। इस समारोह के लिए मंदिर परिसर में 1035 यज्ञ कुंड बनाए गए हैं, जहां वेद और मंत्रों का सामूहिक उच्चारण लगातार जारी है। हवन कार्यों के लिए 1,50,000 किलो शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल किया जा रहा है।